इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कुछ महीने पहले ये बैल यहीं पे दर्द से तड़पते हुए ट्रैफिक के बीचों बीच घुसा हुआ था। जब इसका पीनस जगह जगह से ऐसे कट गया था कि ये तीन जगह से यूरिनेट कर रहा था तो ये किसी को नहीं दिखा। जब हमारी टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल के इसको पकड़ा तो मदद करना तो दूर, कोई पीठ थपथपाने भी नहीं आया। और आज जब हमारे इतने महीनों की मेहनत और राम जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया, इसको एक नया जीवन मिल गया, तो इन लोगों को ये मुसीबत। अरे छोड़ दो, मैं इसको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, इनको बहुत आप पड़े जल्दी जाओ इसको। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, वहाँ हमारे मैं फोन आया था ना, मतलब बैल का, मतलब उसको लगी थी ना, तो उसका ट्रीटमेंट तो हो गया, मतलब ठीक हो गया। अब तो मतलब उसको छोड़ना है, मतलब जहाँ से मतलब उठाते हैं वहीं पे छोड़ते हैं उसको। चढ़ाया भी यहीं पे था, तीन चार महीने पहले भी था। बट यही था ना, वो जिसने आपको फोन किया ना, हाँ। उस आदमी को ढूंढो, उसको फोन करो। हाँ, फिर वो इसकी जिम्मेवारी ले, डिटेल लो, बोले फिर बैल को छोड़ना। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना है, पूरे दरंग एरिया में ऐसे नहीं छोड़ने वाले। कौन से एनजीओ से आए आप? पीपल फार्म। नहीं, एनजीओ वाले के बोल रहे हो तो बीमार उसको खुले में छोड़ के मेरी कोई मन नहीं, पर ये थी नहीं छड़ना बेटा, ढाबे लोड थी कि त्या ही थी छड़ना तो लोड जिन्नी जे बंदा करवाया ना ढाबे वाला है सीधे ढाबे छड़ी हो थी बस जे नंबर होना तो फोन ता है तो ऐसा करो ना, इसको डालो जहां से लेओ वहां से ले जाओ, लेकिन थाने में करनी है ये थोड़ी ना कि हम लोग आप लोग यहां से लेके जा रहे हैं। एनजीओ से आए तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना आपके पास कि आप एनडी कर रहे हो। ये नाम है पीपल, ये नंबर है, ये एड्रेस है। और के आए तो कदे आन मुका नहीं है, तो कुछ आने मेरा यहाँ कौन छोड़ के गए हमको पता नहीं ना, हम इलाज करने के लिए लेके गए। लोग देखो हम जो के ऊपर कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है ना, वीडियो ही है हमारे पास, पूरा वीडियो है। काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें इस डेल के बारे में फोन सुबह ही आया था। ये मैम पार्ली साइड की दुकान ने पता है, किसी ने आके छोड़ दिया हम कहाँ जोड़ना है बताओ, आप बताओ कहाँ जोड़ना है। जिसने कॉल की है ना आपको, उसका नंबर मोबाइल 98 718 महेश जी नाम है इनका, हेलो नमस्ते सर। आपने कॉल की थी ना एनजीओ वालों की बैल को लगी हुई किसी को, और आप ले जाओ ट्रीटमेंट करो। ओके ओके, उसके सामने उठाया होगा वो जिम्मेवार आदमी। अब वो फरीदाबाद से बंदा है, वो यहाँ से है नहीं, अब उसको हम लोग कहाँ ढूंढे। पहले आप उसको बोलो कि भाई ये सही इलाके का वार्डन या प्रधान, उसकी मजदूरगी में उठाना ऐसे मत उठाना। जैसे आज परेशानी हुई वैसे आपको परेशानी होगी। अब इस बैल की किस्मत इतनी खराब कि पैदा होते ही दूध वाले ने इसकी माँ छीन ली। जब छोटे ट्रैक्टर आए तो इसकी नौकरी भी छिन गई, और घर बिठा के बैल को कौन ही खिलाएगा, तो इसका घर भी छिन गया। अब जिस सड़क पे रहता है वो कोई ताज पैलेस होटल नहीं है, पर कम से कम इसको इतना तो पता है ना कि बरसात होने पे भाई कौन से खोखे में सर छुपाना है, किस कूड़ेदान में लोग कूड़ा कम खाना ज्यादा फेंकते हैं। पर हम लोग इतना गिर चुके हैं कि हम इनके नसीब में ये भी नहीं आने देना चाहते।